सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे। तो में मुजफ्फरपुर पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 10 अपराधियों को अरेस्ट किया, जिनके पास से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 11 राउंड गोलियां और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। इस मामले में पहले मामले में मुशहरी SHO को सूचना मिली चेकिंग के दौरान कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर कोर्ट परिसर के पास में एक हत्या की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में मुशहरी SHO द्वारा 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 2 अग्नयास्त्र, 2 देसी कट्टे बरामद हुए, 2 पिस्टल बरामद हुए। और जब उससे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि कोर्ट परिसर के पास में एक व्यक्ति जिसका नाम नजरे आलम था, वो गवाही के दौरान आया हुआ था और इसी व्यक्ति के द्वारा अपने भाई की हत्या की योजना थी, जिसको पुलिस के द्वारा और एवं CTSP की टीम के द्वारा उसे विफल किया गया है। इसके अलावा मोतीपुर थाना क्षेत्र में CTSP मुजफ्फरपुर को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर PNB बैंक में लूट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में 3 अपराधियों को 2 देसी कंट्रीब्यूट वेपन्स के साथ में गिरफ्तार किया गया है और आगे की छापेमारी जारी है। तीसरा और भी कोई मामला है सर? कुख्यात एक अपराधी है धर्मेंद्र कुमार, जो कि कई हत्या लूट की घटनाओं में रहा है, इसकी गिरफ्तारी हुई है और इससे आगे पूछताछ जारी। टोटल कई थाने का मामला है ये? टोटल 3 थानों के मामलों में 10 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई।